क्या हुआ सर, आज आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। अरे यार, वो अम्मा जब से घर से बाहर गई है ना, ज्यादा राय तो फैल गई। सर डोंट वरी, मैं आपके लिए ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुनकर आपकी परेशानी एकदम दूर हो जाएगी। अच्छा, तेरू ट्रांसफर हो रहा होगा? नहीं नहीं सर। वैसे एक बात कहें, तूने कल हमारे जो इंटरव्यू में हमारे इंटरव्यू को कचरा करो है ना, आके बार बार भाई साहब से तेरू सारे ट्रांसफर हो जाओ चाहिए। जब जब हमने इंटरव्यू में बेहतरीन बेहतरीन जवाब दे, तूने हर एक जवाब की आंखें धज्जियां उड़ा के धर गई। सर सॉरी सर, मैं तो आपको खबरें देने आया था, लेकिन सब कुछ एक साथ बैकफायर हो गया। तो तुम्हें भी तो अकल भाव चाहिए ना। चलते इंटरव्यू में सारी की सारी फायरिंग तूने मेरे बैक में पेल दी। इंटरव्यू चल रहा हो तो लाइव, लेकिन वो सब काट के उन्होंने प्रसारण किया है सर। आपका इंटरव्यू लोगों को इतना अच्छा लगा कि वो देखकर एक आदमी ने कल मुझे फोन किया। इंटरव्यू देख के? यस सर। फिर मनोहर? और उसने कहा कि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक की है। हैं? क्या बात कर रहा हूँ? सही बात कर रहा हूँ सर। वो आपका बढ़िया से प्रमोशन करवा देगा और अंदर से सरकारी लेटर पे बतौर लिखित मोहर लगा के आपको दे देगा। हैं? जी सर। यार मनोहर, तुम तो यार बड़ो काम को आदमी निकलो है, मजा आ गो। थैंक यू सर। तो मैं उस आदमी को बुला लूं? बुलवा सुबह से शीघ्र। यस सर, लेकिन आप तब तक 5 लाख रुपए का इंतजाम कर दीजिए। हाँ मनोहर, कितने 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 पैसे बोले? 5 लाख? हाँ सर, अभी इतना बड़ा काम है, न जाने कहाँ से उसको जैक लगा के फाइलें पास करवानी होगी। उसने तो कहा है 5 लाख रेडी होते ही तुरंत कांटेक्ट कर लेना, फटाफट काम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तुम प्रोसेस चालू करो, आओ हम 5 लाख रुपये को इंतजाम करते हैं। यस सर। 5 लाख। मिश्रा जी ये लीजिए, गर्मा गर्म है, खा लीजिए। ठंडे सर, ये दुर्लभ मिश्रा जी है, यही आपका प्रमोशन करवाएंगे। कमाल की बात है, आप मतलब झकरकटी की इतनी आसपास रहती, हमने कहूंगा आपको पहचानू ना। अगर हम जैसे लोग पहचान में आ गए होते तो कानपुर कब का क्वालालंपुर बन चुका होता। हाउ हम जो कह रहे भाई साहब की, मनोहर ने आपकी बहुत तारीफ करी भाई साहब। तारीफ के लायक है, इसलिए तारीफ कर रहा है। तुम टाइम पास कर रहे हो, काम की बात करो। हम जो कह रहे कि आपने जैसे पहले कौन कौन की प्रमोशन करवाई? हम तो ऐसे ही जनरल सामान्य ज्ञान की लाने आप पूछ रहे थे, बाकी कोई टेंशन ना है। झेलमिल प्रसाद गुप्ता का नाम सुना है? किदवई नगर के दरोगा, मुरादाबाद का एसीपी, हमने बनाया उसे। अच्छा, और कौन बड़ो पोस्ट? एसीपी अश्विनी श्रीवास्तव का नाम सुना है, लखनऊ वाले? हाँ अश्विनी जी, हाँ करेक्ट। वो ना बहुत सवाल जवाब बहुत करते थे, बहुत क्वेश्चन पूछते थे, तो हमारा एक दिन दिमाग खराब हो गया। तो हमने उनको चकिया तहसील बनारस में डिमोशन करवा के हवलदार बनवा दिया। तुम भी ना कुछ ज्यादा बेसी सवाल करते हो हप्पू। नवाबगंज का एसीपी बनना है कि नहीं? ना ना, बिल्कुल बनने हैं। असल में हम सिर्फ तसल्ली के लाने आप पूछ रहे थे। तसल्ली हो गई? बिल्कुल हो गई, बिल्कुल। तो फिर हमारे 5 लाख रुपए दो, हमें बहुत सारे काम, हमें जाना है। काफी फास्ट है ये। ओके, हाउ कहाँ गए दादा? ग्रहण करो। कहाँ हो जाके बे? बौरा आ गए हो का तुम? मजाक कर रहे हो मेरे साथ तुम? हाँ, ये 5 लाख है? असल में जी 1109 रुपया है, टोकन मनी समझ के रख लो, बाकी को इंतजाम कर देंगे। अबे तुम कौन से ग्रह के प्राणी हो? हाँ, कौन से ग्रह के? अगर जब पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था मनोहर, तो हमें बुलाया क्यों? टेंशन ना लो भैया आप, बिल्कुल बाकी को इंतजाम हो जाएगा। टेंशन आओगे तो अब तुम समझे। जब पैसों का इंतजाम हुआ नहीं था तो हमें बुलाया क्यों गया मनोहर? हमें क्यों बुलाया गया? हमारा समय बर्बाद किया तुम। इससे अच्छा है कि हम अश्विनी के बदली का काम पकड़ लेते हैं। मिश्रा जी एक मिनट, आपको सर ये आपके पास आखिरी मौका है इस मनहूस थाने से बाहर निकलने का। मनोहर जी, जब तुम्हारे साहब के पैसे रेडी हो जाएं, तो हमें फोन कर देना। बिल्कुल। अब तक अगर 5 लाख रुपए दे दिए होते तो प्रमोशन का लेटर तुम्हारा छप रहा होता, टाइप हो रहा होता, लेकिन क्या करें, लोगों को समझ में नहीं आता है। हर हर महादेव। मनोहर, ख्याल रखो अपने साहब जी। हर हर महादेव। मनोहर क्या है, हम जो कह रहे कि 5 लाख रुपया में से 1111 अगर घटा दें जो दे चुकी, कितने बचे? 4,98,879। इतने देने हैं, ऊपर से 2 रुपए और देने हैं जो मेरे हैं। जय हिंद सर। सॉरी सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए बाहर गया था। इतनों काय फालतू को बतियाते हुए फोन पे। सर वो दुर्लभ मिश्रा जी का फोन था, उन्होंने कहा कि पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं। अरे कोई कोई इंतजाम भाऊ, तुमको पता नहीं है घर में कितना बड़ा कांड हो गया। क्या कांड हो गया सर? एक्सक्यूज मी, हमारे क्लाइंट के घर से एक पेटी गायब हो गई है जिसमें श्रीमती कटोरी देवी जी के कुछ नगद और जेवर थे। तो मैं क्या कर रही? आपके थाने में जो समोसा तलने वाली कढ़ाई है उसमें तेल कम पड़ गया तो डालने आए हैं। काहे बकवास पेल रही तुम? अच्छा, शुरुआत किसने की थी भाई साहब? आइए चमची देवी जी। अरे बेनी अंकल, प्लीज आप भी बैठ जाइए। नहीं बेटा, कहना कि हम क्लाइंट के सामने नहीं बैठते। यू मे प्रोसीड। स्वागत है तुम्हारे थाने में, और जो जनता को सेवक तुम्हारे लाने का कर सकते हो। मेरी दादी की एक बहुमूल्य पेटी गायब हो गई है जिसमें भारी कीमती जेवर और कुल 5 लाख रुपए नगद है। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ। एफआईआर लिखिए तुरंत। आओ आओ। अच्छा तो जो बताओ, जॉन आदमी के घर में चोरी भई है, बाकू नाम कुमारी चमची कटोरी देवी सिंह। अच्छा, कितने बजे चोरी भई? जैसी सुबह सो के उठी और चप्पल लेने नीचे झुकी, वैसे देखा कि पेटी गायब। तो मैं कौनों आदमी पे शक है, मतलब हुलिया कचू बता सकती हूँ? वो आदमी कैसो दिखतो या कचू है को शक है? जी बताओ फिर। उसकी कद्दू जैसी गोल सी शक्ल है, मुँह से साइकिल के हैंडल जैसी तनी हुई रहती है, उसके बाल चिपके हुए रहते हैं, बालों में से चमेली के तेल की खुशबू आती रहती है और पेशानी पर प्रश्न चिन्ह के निशान रहते हैं, एकदम केकड़े जैसे। हाँ, उनकी आंखें एकदम मेंढक जैसी है, ऐसा लगता है कि अभी आके बाहर गिर जाएंगी। बेटा और बताओ। बहुत ही भारी आकार में उनकी तोन निकली हुई है। अच्छा बेटा, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम आदमी से मिल चुकी का, बहुत करीब से जानती हो। तुम्हारा कोनो संबंधी लग रहा है, कोनो संबंधी रिश्तेदार है का तुम्हारा? जी हाँ, रिश्ते में वो हमारे बाप लगते हैं। आओ। नाम है हप्पू सिंह, पेशे से झगड़कट्टी के निछावरखोर दरोगा हैं, जिनके पास मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूँ। तुम अपने बाप पे शक कर रही? हाउ हाउ। तुम्हें कितने प्रतिशत यकीन है अपने शक पे? 100%। यू आर अंडर अरेस्ट हप्पू सिंह। तो भैया हमारा नाम है गो चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिनहुड पांडे। सर आप तो पूरा दबंग वाले पुलिस हो गए। पुलिस? ना ना मनोहर, देख एक होते हैं पुलिस वाले और एक होते हैं गुंडो, लेकिन हम कहा हैं पुलिस वालों गुंडो वास है। कैसी कही फिर। और फिर हमारी दबंगियाई की कब बात करें, दबंगियाई तो हमारी चाल में है, हमारी स्टाइल में है और सारे घूसा लात में है। कैसी कही, बिल्कुल पांडे जी की तरह। हाँ तो फिर हम मचल रहे हैं पांडे जी से मिलन के लाने, मतलब पांडे जी आ रहे हैं। और नहीं का सुन, चुलबुल पांडे आ रहे हैं ना जब दशहरा को बुराई की धुलाई करने के लाने। तो भैया दबंग 3 को वर्ल्ड टीवी प्रीमियर है को जी सिनेमा में रविवार 25 अक्टूबर दोपहर 12 बजे। और सुन, गर्दन हिला रहा हूँ, सारे हमें ज्यादा उंगरिया ना करिए, फोन कर करके हमें ध्यान से देखन दइए। कैसी कही। ओके सर। ओके तो फिर ओके लगा म्यूजिक।